हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राज बीजापुर सॉक्टा पैड। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, आज मैं लेके आया हूँ एक अच्छी पैच सेटिंग ऑप्शन। 20x एंड 20 पैड में सिमिलर ऑप्शन होता है पैच चैन का ऑप्शन, पैच चैन की सेटिंग। पैच चैन का मतलब ये होता है गाइस कि हम इसमें 1x1 पैच ऐड कर सकते हैं। लाइव शो में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एक सॉन्ग में अगर तीन पैटर्न बज रहे हैं, तीनों पैटर्न हमारे अलग अलग बने हुए हैं, तो हम उसको 1x1 कैसे प्ले कर सकते हैं? अलग अलग नंबर्स पे बने हुए हैं तो 1x1 प्ले कैसे कर सकते हैं? वन परफॉर्म करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ये बेस्ट मेथड है गाइस। तो इसको हम 1x1 ऐड कैसे कर सकते हैं? एक अच्छी प्लेलिस्ट बना सकते हैं। जैसे हम म्यूजिक गैलरी में म्यूजिक का मनपसंद सॉन्ग ऐड करके म्यूजिक की प्लेलिस्ट बनाते हैं, वैसे ही प्लेलिस्ट बनाएंगे पैच चैन की हेल्प से। वहाँ पे अपन मनपसंद 1x1 ऐड कर सकते हैं। तो ये लाइव शो में ये सेटिंग, ये पेज चैन फंक्शन जो होता है लाइव शो में, बहुत काम की चीज़ है गाइस। तो आप इसको अच्छे से देखिए, बने रहिए वीडियो के एंड तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं ऑक्टापैड के फ्रंट पेज पर और सीखते हैं आज पेज चैन की सेटिंग। तो गाइस, आ चुके हैं हम ऑक्टापैड के फ्रंट पेज पर और यही से सीखेंगे हम ऑक्टापैड की चैन बनाना। तो उसके लिए सिंपली यहाँ से मैं एडिट प्रेस कर रहा हूँ। यहाँ से मैंने एडिट प्रेस किया, उसके जस्ट बाद में सेलेक्ट के जस्ट पास में यहाँ पे पेज चैन लिखा हुआ है, इसको आपको प्रेस करना है। इसको प्रेस करने के बाद में मैं आपको बता दूं, इसको वापस वंस अगेन प्रेस करना है। यहाँ पे देखिए आप डिस्प्ले पे, एक बार प्रेस किया फिर ए से बी आ गया, अल्फ़ाबेट चेंज हो रहे हैं, सी डी ई एफ जी और एच। ठीक है, तो ए से लगाकर एच तक आप टोटल प्लेलिस्ट, आप चाहे तो 1x1 इसमें पेज ऐड कर सकते हैं, और आप चाहे तो सिर्फ एक में ही 5-10 पेज ऐड कर सकते हैं। वो वापस शो कैसे होंगे वो हम पहले इसमें ऐड कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि वो पेज चैन शो कैसे होगी। ठीक है, तो हम ए में ऐड करते हैं। तो ए में ऐड करने के लिए गाइस मैं आपको बता दूं, पहले सबसे पहले यहाँ पे आपका मोस्टली कोई भी किट लगा हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप कहीं से भी किसी भी किट से आप पेज चैन बनाने के लिए आप है ना एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा 43 बना हुआ है, कोई भी हो आपका साइज, चाहे कुछ भी हो। मैं एडिट प्रेस किया जस्ट, उसके जस्ट बाद में पेज चैन, फिर अब सबसे पहले ए में ही बनाते हैं हम लोग। तो ए के ये प्लस माइनस की हेल्प से हम लोग प्लस करेंगे, यहाँ से काउंटिंग चालू हो जाएगी, 1, 2, 3, 4 है ना, आपको पता है मैक्सिमम 99 होता है। तो ये सारे किट यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे कि मुझे ये पहले सबसे पहले एक नंबर ही मेरे को इसमें ऐड करना है ना, ए वाली सीरीज में मेरे को एक नंबर ही ऐड करना है। तो उसके जस्ट बाद में मैं यहाँ पे ऑल इंटर प्रेस कर दूंगा, ये मैंने ऑल इंटर कर दिया, यहाँ पे एक नंबर ए वाली सीरीज में ऐड हो चुका है गाइस। ठीक है, अब ए वाली सीरीज में अब कुछ और भी ऐड करना है मुझे, दूसरा पैच भी ऐड करना है। तो वापस काउंटिंग चालू करेंगे और यहाँ पे जैसे कि एक के बाद में मुझे चाहिए 7 नंबर पैच। ठीक है, एक के जस्ट बाद में, तो वापस ऑल इंटर प्रेस करूँगा, ये 7 नंबर वाला भी ऐड हो गया। अब वापस इसमें कुछ तीसरा पैच और चाहिए मुझे। ठीक है, तो वापस काउंटिंग चालू करेंगे, यहाँ पे कोई सा भी ले लो, जैसे कि ये 14 नंबर वाला चाहिए मुझे, ऑल इंटर प्रेस किया। तो इसमें मैंने फ़िलहाल 3 पैच ऐड किए हैं, आप चाहे तो और इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, एक और करके देख लेते हैं अपन। यहाँ पे वापस गिनती जहाँ से जो लास्ट ऐड होगा ना, 14 ऐड किए तो गिनती वहाँ से ही, काउंटिंग वहाँ से ही चालू होगी वापस। तो यहाँ से मैंने वापस 23 वाला ऐड कर लिया, तो ऑल इंटर प्रेस किया, ये भी ऐड हो चुका। अब चारों पैच ऐड हो चुके हैं, ए वाली सीरीज जैसे कि मान लो कम्प्लीट हो चुकी है। तो उसके बाद में ऑल इंटर एक बार और प्रेस करना, यहाँ पर इंटर लिखा हुआ आएगा, ये एंटर लिखा हुआ है। तो हमारी ए वाली सीरीज में प्लेलिस्ट तैयार हो चुकी है। तो अब यहाँ से एग्जिट करेंगे और देखेंगे कि ए वाले जो अपन चार पैच ऐड किए हैं वो शो कैसे होंगे। तो यहाँ से एग्जिट किया, ये देखिए 43 था, 43 आ गया वापस। अब
शो होने के लिए एडिट वेडिट की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट पेज चैन पे ओके करेंगे, ये लिखा हुआ ही है, इस पर ओके किया। ये देखिए गाइस, सबसे पहले हम लोगों ने एक नंबर वाला ऐड किया था, तो एक नंबर यहाँ से शो हो रहा है, प्लस माइनस की हेल्प से हम देख लीजिए 7 नंबर वाला शो हो रहा है। नेक्स्ट जैसे ही किया मैंने, ये देखिए माइनस किया, 1 वाला शो हो रहा है, यहाँ पे 7 वाला शो हो रहा है, उसके जस्ट बाद में 14 और उसके जस्ट बाद में 23। ये चारों हम लोगों ने ऐड किए थे, ये चारों यहाँ पे आ चुके ए वाली सीरीज में, ठीक है। अब आप हम एक वन बाय वन करके देखते हैं, ठीक है। तो एग्जिट किया, ये यहाँ से चला गया, वन बाय वन देखते हैं पैच चैन बनाना, तो वापस एग्जिट एडिट किया, पैच चैन पे एंटर करा, और उसके बाद में एक बार वापस पैच चैन पे प्रेस किया, बी वाली सीरीज आ गई, सी वाली सीरीज आ गई, डी ई एफ जी एच, ठीक है। तो बी वाली सीरीज पे जैसे कि मैंने 6 नंबर ऐड कर दिया, ठीक है, हो गया ऑल इंटर, और इसको यहाँ पे मेरे को एक ही रखना है, तो वापस एंटर प्रेस किया, एग्जिट हो गए। तो ये ए वाली सीरीज पे तो जो प्लेलिस्ट 4 पैच ऐड करके रखे थे वही के वही है, देख लीजिए आप 1, 7, 14, 23। और वापस इस पे पैच चैन पे क्लिक करेंगे, ये आगे बी वाली सीरीज, इसमें 6 नंबर ही ऐड किए तो सिर्फ 6 नंबर ही शो हो रहा है। इसमें कुछ और भी ऐड करना चाहते हैं तो वो आप इस तरह से कर सकते हैं। गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए सभी म्यूजिशियन भाइयों को जय मां शारदे।